हेलो गाइस, वेलकम बैक मोई मोटर ब्लॉग चैनल। तो गाइस, आप लोगों को फिर से नया एंड फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम जाएंगे कलकत्ता शहीद मीनार। आप लोग देख सकते हो, मैं अभी मेरा फ्रेंड की दुकान पर है। आप लोग देख सकते हो, मेरा फ्रेंड उधर रेडी हो रहा है, मेरे साथ जाएगा। और अब हम चलते हैं कलकत्ता शहीद मीनार, मिलते हैं डायरेक्ट कलकत्ता शहीद मीनार पर। और वीडियो यहाँ तक देखते रहे ना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, अभी हम कलकत्ता पे हूँ। धर्मतला जाने का बस पकड़ लिया, अभी बस के अंदर हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक सिग्नल में सारे की सारी कार खड़ा है इधर। अब चलने लगा, ऑसम लग रहे हैं कोलकाता गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुका हूँ कोलकाता शहीद मीनार, आप लोग देख सकते हो। गाइस, आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहो, पूरा शहीद मीनार आप लोगों का घुमा के दिखाऊंगा, आप लोग बस देखते रहो। गाइस, ऑसम लग रहे हो, देखो गाइस। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आता है। गाइस, मीनार की साइड से गार्डन ड्राइव है, आप लोग देख सकते हो, ऑसम लग रहे हैं। यहाँ पे लोगों का बैठने का जगह है। मीनार की फ्रंट में बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे बैठने का भी जगह है, बहुत सारे लोग बैठा है इधर, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही लंबा है मीनार, आप लोग कभी आओगी तो मीनार घूम लेना, बहुत ही अच्छा जगह है इधर। गाइस, आप लोग देख सकते हो, अंधेरा हो गया, अभी हम धर्मतला रोड के ऊपर हूँ और आप लोगों का दिखा गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा रात में मीनार को कैसा लगता है। बहुत सारी लाइटिंग फिट किया है मीनार की। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, अंधेरा हो गया, शहीद मीनार की मैदान पर हूँ। आप लोग देख सकते हो, इसमें रात को लाइटिंग होता है। गाइस, देख सकते हो मेरे पीछे शहीद मीनार है, मैं अभी मैदान पर हूँ। तो गाइस, आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइटिंग कैसा है, और आप लोग एंड तक देखते रहो और इंजॉय करो। गाइस, देख रहे हो, ऑसम लग रहे, लाइटिंग तो मस्त है। आप लोग बस देखते रहो, आप लोगों का पूरा दिखाऊंगा और आप लोग इंजॉय करो। बहुत सारी लाइटिंग फिट किया है, कलर चेंज भी हो रहा है इधर। आप लोगों का पूरा जूम करके दिखाऊंगा लाइटिंग की।
का वीडियो इतना ही है। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।